गई है मेरी हेयर कट, ये तो बहुत अच्छी लगी। वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो अभी मैं जा रही हूँ हेयर कट करने, और मैं US में पढ़ाई करती हूँ, तो अभी मैं छुट्टी में इंडिया आई हूँ। तो जब भी मैं इंडिया आती हूँ तो यहाँ से ही हेयर कट करने करके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत महंगा होता है और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया क्योंकि इतना महंगा होता है। तो और मैं यहाँ पर नागपुर में एक फेमस है स्टाइलोपिया करके, वहीं से मेरे हेयर कट करती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी व्लॉग में भी दिखा दूँ, तो चलिए अभी चलते हैं हेयर कट के लिए। आ गई हूँ मैं स्टाइलोपिया के यहाँ। ये देखिए यहाँ पर है, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जाना है। तो और इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी आ गई हूँ मैं हेयर कट के लिए। वो जो मेरे हेयर कट करके देते हैं उनको थोड़ा टाइम है क्योंकि वो दूसरी जगह बिजी है, तो बस 5-10 मिनट में वो मेरा हेयर कट स्टार्ट करेंगे। हेयर कट से पहले मेरे बाल ऐसे थे, और मैंने कौन सी हेयर कट की, हेयर कट के बाद मेरा लुक कैसा है, ये सब कुछ जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये है वो शैलू भैया जिनसे मैं हेयर कट कराती हूँ, मैं इनके अलावा किसी और से हेयर कट नहीं कराती हूँ। और ये अभी मुझे बोल रहे हैं कि मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो बहुत डिफरेंट दिख रही थी, इस बार मैं डिफरेंट दिख रही हूँ। तो आपको अगर देखना है कि मैं लास्ट टाइम कैसे दिख रही थी, तो इसका व्लॉग मैंने जब लास्ट टाइम आई थी तो उसका व्लॉग भी मैंने अपलोड किया था, तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी। इनको पता है कि मेरा YouTube चैनल है और मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ये हम सब कुछ अभी कैमरा सही से रख रहे हैं ताकि वीडियो बनाने में कुछ तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे कैसी हेयर स्टाइल चाहिए करके। तो मैंने उनको बताया कि मुझे स्टेपलेयर चाहिए और मुझे लेंथ बालों की ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे फ्लिक्स जो है मतलब सामने के बाल वो थोड़े से छोटे चाहिए। बस यही सब कुछ मैं उनको बता रही हूँ। तो अभी हम एक मोबाइल इस साइड से ऐसा रखने वाले हैं, जो कि ये हमने लिया है, और भी इस मोबाइल से और दोनों मोबाइल से वीडियो शूट होगा। तो हमने इस तरीके से मोबाइल अरेंज किए थे ताकि पूरा वीडियो अच्छे से शूट। तो ये चालू हो गया, ये चालू हो गया, ये भी चालू। अपने हेयर में मेरी शॉर्ट है, यहाँ पे अपन क्लिप्स देते हैं, ठीक है। फिर ये स्टेप अपन आगे तक बढ़ाएंगे नीचे तक, ठीक है। और दूसरा लेयर प्लस स्टेप देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल हेयर कट स्टार्ट हो गया है। वैसे मैं कभी भी हेयर कट करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मुझे बालों की लेंथ लंबी बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे डर सा लगता है कि कहीं वो लेंथ कम ना करे, तो आधा धन मेरा तो मेरे बालों की लेंथ कम हुई या नहीं इसी के ऊपर होता है। पर इनके यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता, अगर मैंने उनको बोला है कि लेंथ कम नहीं करनी तो वो बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर ऐसे मेरा हेयर कट इंजॉय करती हूँ टेंशन फ्री। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे हेयर को अच्छी तरीके से कॉम किया, और अभी ये पार्टीशन किया है। इसके बाद उन्होंने आर्गन ऑयल लगाया और मेरे हेयर कट करना स्टार्ट किया था। तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल हो गई है और वीडियो बनना स्टॉप हो गया है। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, पहले मैं मोबाइल की स्टोरेज थोड़ी खाली कर लेती हूँ और बाद में वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली मेरा हेयर कट स्टार्ट हो गया है और मैंने मेरा पूरा हेयर कट का वीडियो शूट किया है। तो आप भी देखिए फास्ट फॉरवर्ड में कि मेरा हेयर कट कैसे हुआ।
यहाँ पर मेरा हेयर कट कंप्लीट हो गया है और अभी हेयर स्टाइलिंग हो रही है। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे ब्लो ड्राई से बालों को स्ट्रेट किया और नीचे से हल्के से सॉफ्ट कर्ल दिए, जिससे बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और ये ब्लो ड्राई से जब भी हम हेयर स्ट्रेट करते हैं तो बहुत ही मैनेजेबल बाल लगते हैं। हेयर स्टाइलिंग भी हो गई है तो अभी ये क्या करते हैं कि जब भी पूरे हेयर स्टाइलिंग हो गए तो ऐसे बालों को एक साथ करते हैं, सारे बालों को एक साथ पकड़ते हैं और फिर अच्छे से छोड़ देते ताकि और अच्छा लुक आता है। ये हमेशा ऐसे ही करते, ये इनका स्टाइल है। तो अभी देखिए, और अभी ये ऐसे साइड साइड में मुझे इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमने जो बाजू में मोबाइल अरेंज किए हैं उसमें अच्छे से पूरे लुक आ जाए कि कैसे हेयर कट हुई है करके। हो गई है मेरी हेयर कट, ये तो बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर अभी पिक्स निकाल रहे हैं मेरे हेयर कट की। यहाँ पर मैं एक वीडियो बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ जो कि स्टाइलोपिया मतलब शैलू भैया को अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट में डालना है। ये ब्लैक स्क्रीन इसीलिए लगाई है ताकि जो पीछे जिनकी हेयर कट हो रही है उनका फेस ना आ जाए, इसलिए। तो ये वीडियो मैं एंड में अटैच कर दूंगी। हो गया है मेरा हेयर कट, हो गया है मेरा हेयर कट। अभी मैं घर जाती हूँ। मैंने आज की है स्टेप लेयर कट और साथ में उन्होंने कुछ तो भी सीजर से हेयर थिनिंग ऐसा कुछ तो भी किया है, बीच बीच में कट लगाए ताकि उससे ना बहुत अच्छा लुक आ रहा है। और देखो मेरा यहाँ पर बाउंसी भी दिख रहे हैं बाल, नहीं तो मैं जाते टाइम अगर आपने देखा होगा तो देखिए ये ऐसा बाउंसी लुक नहीं आ रहा था। और ये हेयर कट मैंने सिर्फ हेयर कट की तो उसका प्राइस है 250 रुपीज। तो आपको मेरी हेयर कट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू, बाय।